के तीन होते हैं, ऐसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसी प्रकार धन के भी तीन गति होती हैं, दान वो हो न। इनमें कैसे समन्वय बताए कि बाद में उसको पछताना न पड़े। मैंने कहा ना कि तीनों का फल जानो, दान, भोग और नाश, ये तीन हैं। तीनों का फल जान जाओ, दान का फल क्या है, भोगने का फल क्या है, और नहीं भोगा और चोर ले गया, मरण को प्राप्त हो गए, सरकार ले गई, उसका फल क्या है। जिंदगी भर कमाया, सब कुछ तुमने कमाया, पाप तुमने किया, ले गया चोर, पाप तुमने किया, सरकार ने जब्त कर लिया, जिंदगी भर पाप करते रहे, सब यहीं गड़ा हुआ छोड़ के चले गए, क्या मतलब निकलता। दूसरा, भोग की विनाश सीमा होती है, उसके जो तुमने धन को भोगा, किस सीमा तक भोगा, इस सीमा तक भोगा कि उस भोग से ही तुम्हारा नाश हो गया, इतना नाश हो गया, इतना नाश हो गया। एक व्यक्ति बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने जीवन में बहुत धन था, बड़े तो धन आके कोई कमी तो होती नहीं, उन्होंने इतनी अय्याशी की, इतनी अय्याशी की, भोगा, जम के भोगा, पैसा है भोगूंगा, अय्याशी की। दो नंबर का पैसा नहीं था, कोई डकैती का पैसा नहीं था, बाप की वसीयत का पैसा था, ओरिजिनल था, लेकिन भोग में लगा दिया। इतना भोगा, इतना भोगा कि एक दिन उनकी किडनी खराब हो गई। किडनी खराब होने के लिए अमेरिका गए, भारत में कोई ने तैयार लिया, अमेरिका में जाके कहते हैं किडनी देने वाला खड़ा है, डॉक्टर साहब मेरे वजन का सोना ले लो, मेरे जन वजन का पैसा ले लो, किडनी जितने में खरीदना है उतनी किडनी देने वाले आ गए। पैसे में कौन नहीं देता, किडनी सामने रखी है, पैसा देने को तैयार है। डॉक्टर कहता है साहब किडनी तो मिल जाएगी, लेकिन जहां किडनी रखना है वही स्थान सड़ चुका है, तुमने इतनी शराब पी है, इतने नशे किए हैं कि किडनी ही नष्ट नहीं हुई, जहां किडनी रखी जाती है वो स्थान भी नष्ट हो गया। यानी किडनी को जोड़ने के लिए आपकी नसें सड़ चुकी हैं, दूसरी किडनी जाएगी तो नसें तो जोड़ेंगे, ब्लड तो जब ही सर्कुलेट होगा, वो नसें ही सड़ चुकी हैं, अब है ही नहीं स्थान। सारा धन दौलत होकर के भी तड़प तड़प के मरा वो बड़ा आदमी, सब कुछ, और अंत में कहता गया आज मुझे पता चला धन को जो था उसका भोग का परिणाम क्या गया। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत कि दोनों हाथ खाली थे। ये चिंतन करना चाहिए, ये सोचना चाहिए, धन को भोगो, पुण्य को भोगो, इतना भोगो कहीं भोग हमारी जिंदगी को नाश का कारण न बन जाए। इतना खाओ, इतना खाओ, इतना खाओ, कहीं वह भोजन हमारे लिए बीमारी का कारण न बन जाए। खाने की मनाही नहीं है, और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भोगते भी हैं, गृहस्थी भी चलाते हैं, लेकिन कैसे, दान को भी निकालते हैं। क्या उदाहरण दिया, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माय, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विसारे नहीं। चक्रवर्ती कैसा, किसान का उदाहरण दिया, जैसे किसान फसल आती है तो सारी फसल खाता नहीं है, उसमें से बीज निकाल करके, बीज के भुट्टे निकाल कर अलग रख देता है, बीज निकालने के बाद जो बचता है फिर उसको खाने के काम लेता है। ऐसा चिंतन करना चाहिए।